भाजपा मंडल खनिया थाना एवं नगर परिषद की टीम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को पूजन कराकर करवाया गृह प्रवेश। भारत सरकार के द्वारा ऐसे सभी निराश्रित व बेघर लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है, जिससे कि हितग्राहियों के द्वारा अपने परिवार के लिए पक्के मकानों का निर्माण करवाया गया। इसी क्रम में खनिया थाना नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सैकड़ों हितग्राहियों को ये राशि मिली है और साथ ही साथ जिससे उन्होंने अपने आवास का निर्माण करवाया। अगर नगर परिषद सीएमओ हरिराम यादव, भाजपा खनिया थाना मंडल अध्यक्ष सत्य प्रकाश जी भरदेलिया के द्वारा उन सभी हितग्राहियों के आवास पर जाकर पूजन और गृह प्रवेश का कार्यक्रम किया गया और पक्का घर प्राप्त होने की शुभकामनाएं भी उन्हें दी गई। साथ ही साथ इसके बाद नगर परिषद कार्यालय में एक कैंप लगाकर स्वरोजगार योजना के तहत मिलने वाले लोन के आवेदन भी नगर परिषद व सभी बैंकों के प्रतिनिधियों ने प्राप्त किए और हितग्राहियों से शीघ्र ही लोन प्रदान करने का आश्वासन दिया। ये आज जो कार्यक्रम किए गए हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही थी लगातार, इसमें जो हितग्राहियों को आज मैं और हमारे सीएमओ साहब और हमारे कुछ कर्मचारी लोग गए थे, जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला है, उनका पूजन कराया है और उनको गृह प्रवेश भी कराया है उनका प्रधानमंत्री आवास में, और उनको गृह पूजन कराते उनको सौंपे गए हैं। और दूसरा कार्यक्रम हमारे ये रहा कि नगर पंचायत में एक कैंप लगाकर, जिसमें जो प्रधानमंत्री स्पीड वेंडर योजना चल रही है, जो उसमें जिनको ज़रूरत है, लोन की आवश्यकता है, वो अपना कोई धंधा चलाना चाहते हैं या कोई छोटा सा किराना की दुकान या कोई ठेला वगैरह लगाना चाहते हैं, जिसके अंदर तक स्पीड वेंडर के अंदर तक 10,000 रुपये का लोन एवं 20,000 रुपये का लोन के लिए आवेदन उन्होंने किए हैं, जिसमें दोनों बैंक से, मध्यांचल ग्रामीण बैंक से और स्टेट बैंक से, वहाँ से अधिकारी लोग आए थे, उनने उनके फॉर्म लिए हैं और जो पात्र थे उनके फॉर्म उनने पात्र करके रख लिए हैं। कल उनको लगभग चेक 10,000 और 20,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की, जितनी गरीब जनता है और जिनको सब योजना चल रही है, सबको ये लाभ पहुँचाने की हम लोग सब कोशिश कर रहे हैं।